नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बातें करेंगे कि कोलकाता में सितंबर महीने यानी आने वाले महीने में किस किस दिन लॉकडाउन रखा गया है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हो कि अभी कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है। तो बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने घोषणा की कि किस किस दिन सितंबर में लॉकडाउन रखा गया है। साथ ही मैं बता दूँ आपको, बंगाल में अभी तक 144,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 1,14,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 2900 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। यानी आंकड़ा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और मैं बता दूं आपको, पूरे भारत में मतलब लगभग 70,000 लोग एक एक दिन में पाए जा रहे हैं और बंगाल में जो है 3,000 के आसपास लोग पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि ये त्रासदी है पूरे भारत पे, पूरी दुनिया पे। तो इसके लिए हर एक राज्य के मुख्यमंत्री लोग अपने अपने हिसाब से कि किस तरह से कैसे इसे कम किया जाए, उस हिसाब से लॉकडाउन रखा गया है। तो बंगाल में जो लॉकडाउन सितंबर महीने में रखा गया है वो है 7 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को, यानी एक ही सप्ते में 3 दिन बंद रखा गया है। और उसके बाद कहा गया है कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो फिर आगे के बारे में सोचा जाएगा। कि बंगाल में अभी मैं बता दूं आपको कि मतलब लास्ट 1-2 महीने से लॉकडाउन इसी तरह से हो रहा है, किसी किसी सप्ते में लॉकडाउन हो रहा है, किसी सप्ते में नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ दिन को लॉकडाउन में परिवर्तन किया गया, जिस दिन पूरी तरह से सब कुछ मतलब बंद रखा गया है, ट्रांसपोर्ट हो या फिर दुकानें हो, चाहे बाज़ार हो, मार्केट हो, प्लेस हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी हो, सब कुछ को बंद रखा गया है। हालांकि इमरजेंसी सेवा जो है वो चालू ही है। और मैं बता दूं आपको कि आज का दिन जो बंगाल में लॉकडाउन है, और आने वाले महीने में जैसा मैंने बताया कि सितंबर में 7 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को रखा गया है लॉकडाउन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल की घंटी जो बजा देना, ताकि आपको इस तरह का न्यूज़ पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।